अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज नवरोज़ है, आप सबको नवरोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ये जो वीडियो है ये आप नवरोज़ के 2 दिन बाद देखोगे, 23 मार्च में, क्योंकि मैं 2 दिन बाद वीडियोस अपलोड करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ मैं। वैसे ये नवरोज़ का दिन होता क्या है और हम इसे मनाते क्यों हैं? वैसे नौरोज़ का एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि नौरोज़ होता क्या है और नौरोज़ मनाते क्यों हैं। मुझे बस इतना पता है कि नौरोज़ का मतलब है नया दिन या नया साल। लेकिन अभी हम गूगल पे सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ नौरोज़ एंड व्हाई डू वी सेलिब्रेट नौरोज़। नौरोज़ आमतौर पर फारसी नए साल के नाम से जाना जाता है। नौरोज़ का तर्जुमा नया दिन होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और जदीद दौर के ईरान और इससे आगे के 300 मिलियन से ज़्यादा जश्न मनाने वालों के लिए तजदीद की अलामत है। तारीखी तौर पर यह छठी मशरक वस्ती और एशिया के कुछ हिस्सों में मनाई जाती रही है। तो ये थी भाई नवरोज़ के बारे में कुछ मालूमात जो आप तक पहुंचा दी है मैंने। वैसे आप लोगों को ऑलरेडी ये बताओ, तो आज नवरोज़ है और हम लोग ब्लॉग भी बना रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पर। कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा खुद ही। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाहर से वापसी आने के बाद मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। वो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस चैनल से रिलेटेड हैं, मेरे से रिलेटेड हैं। तो वो बातें मैं आपको बताऊंगा बाहर से वापसी आने के बाद, फिर हम वो बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज नवरोज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज नवरोज़ है, तो कहीं दूर नहीं जा सकते, ऐसे ही गाँव में थोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। अल्ताफ चाचू के साथ आज हम लोग जाएंगे ड्राइव पे, लॉन्ग ड्राइव पे। मार्च का महीना चल रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक सर्दियां ख़त्म नहीं हुई, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो ड्राइव से हम लोग वापसी घर आ चुके हैं और अभी मैंने आपसे करनी है वो ज़रूरी बात। तो बात यह है कि मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने इस चैनल पे ट्रैवल ब्लॉगिंग करूँगा। मुझे ये भी पता था कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग में कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पाऊँगा वीडियोज़, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता था कि ऐसे एटलीस्ट मेरी ऑडियंस जो है यूट्यूब की या फेसबुक की वो बोर नहीं होगी। 2019 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और तब से लेके अब तक यही वजह रही है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, मेरे फेसबुक के कुछ फॉलोवर्स या यूट्यूब के कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे मैसेज करते हैं कि यार आप वीडियोज़ अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो मैं उनको सामने से यही जवाब देता हूँ कि यार मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, या करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं जिसका मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। तो वो लोग कहते हैं कि आप डेली ब्लॉगिंग करो। तो फिर मैं सामने से यही कहता हूँ, उनको यही जवाब देता हूँ कि यार डेली ब्लॉगिंग में ऑडियंस बोर हो जाएगी, कोई वीडियो देखेगा नहीं। तो सामने से उनका यही जवाब आता है कि कोई और देखे ना देखे आपकी वीडियोस हम ज़रूर देखेंगे। तो उनकी इस बात से मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली और मैं इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। इतने ज़्यादा लोग भी नहीं है, मतलब 10-20 लोग होंगे जो अमूमन मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि आप वीडियोस अपलोड क्यों नहीं करते। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि वो लोग मेरी वीडियोज़ का वेट करते हैं और मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर दी। तो जो ज़रूरी बात थी वो ये थी कि अगर आप लोगों ने ट्रैवल ब्लॉगिंग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे कभी कभार ही आपको ट्रैवल वीडियोस देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आज के बाद इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ डेली ब्लॉगिंग चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाएंगे, हम हाइकिंग ब्लॉग्स भी बनाएंगे, हम एडवेंचर्स भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन वो ब्लॉग्स मैं तब बनाऊंगा जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा, हाइकिंग पे कहीं पर जा रहा हूँगा या कोई एडवेंचर कर रहा हूँगा। तो बस यही ज़रूरी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। अभी ज़रूरी बात भी हो गई तो अभी क्या करें, अभी बस आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करें।